एक अच्छी नींद के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं? हम अपना फोन चेक करते हैं। आज से कुछ समय पहले तक लोग सूर्य की किरणों के साथ अपनी नींद खोला करते थे, सूर्य की किरणों के साथ अपने दिन की शुरुआत करते थे, लेकिन आज के समय में ज्यादातर लोग मोबाइल की लाइट के साथ अपनी नींद खोलते हैं। आंखें ठीक से खुलती भी नहीं है कि मोबाइल फोन ठक 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 सामने होता है। तो क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? इसके बहुत से मेंटल और फिजिकल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और उन्हीं में से जो कुछ सिंपल नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। और अगर हम अपनी नींद मोबाइल के साथ नहीं खोलते, अगर हम बिना मोबाइल के उठते हैं तो उसके हमें क्या फायदे होते हैं, उसके बारे में भी हम इसी वीडियो में जानेंगे। अब जब हम सुबह उठ के अपना फोन चेक करते हैं तो हम उसमें क्या देखते हैं? हम उसमें नोटिफिकेशंस देखते हैं, हम उसमें न्यूज देखते हैं। अब जो सुबह आपकी बहुत ही रिलैक्स्ड और पीसफुल होनी चाहिए थी, जो कि फोन चेक करने से पहले तक थी भी, अब उसमें धीरे धीरे करके नॉइज आनी शुरू होती है। अब इसका क्या असर हुआ? नंबर वन, नेगेटिविटी। जब हम न्यूज देखते हैं तो उनमें हमें ज्यादातर नेगेटिव चीजें ही देखने को मिलती हैं, और हम इन्हीं टॉपिक्स के अंदर फंस के रह जाते हैं, और हमारे दिन की शुरुआत जो बहुत रिलैक्स्ड और बहुत पीसफुल हो सकती थी, अब एक इंसान को या एक पक्ष को सही या गलत ठहराने से शुरू होती है। नंबर टू, अनप्रोडक्टिविटी। अब जब हम फोन उठाते हैं कुछ देखने के लिए, वहीं से हमारा डोपामिन का ट्रैप शुरू हो जाता है। हम फोन तो उठाते हैं एक सेकंड या एक मिनट के लिए कुछ देखने के लिए, लेकिन वही एक सेकंड एक मिनट कब एक घंटा बन जाता है हमें पता भी नहीं चलता, और यही एक घंटा जो कि बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकता था वो एकदम वेस्ट चला जाता है। नंबर थ्री, लेजीनेस। अब जब हम ज्यादातर अपना फोन चेक करते हैं या यूज करते हैं तो या तो हम बैठे होते हैं या फिर अपने बिस्तर में लेटे होते हैं, और यही दोनों चीजें हमारी बॉडी को और ज्यादा लेजी बनाती हैं। तो ये तीन सबसे ज्यादा कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं सुबह उठते ही सबसे पहले फोन चेक करने के। अब हम जानते हैं कि अगर हम सुबह उठते ही फोन चेक नहीं करते तो उसके हमें क्या फायदे होते हैं। शुरुआत में तो ये समय काफी ज्यादा बोरिंग लग सकता है, लेकिन इसी समय को हम बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। इसी समय में हम वर्कआउट कर सकते हैं, इसी समय में हम वॉक पे जा सकते हैं, इसी समय में हम मेडिटेशन कर सकते हैं, इसी समय में हम कोई अच्छी बुक पढ़ सकते हैं जो कि हमें इंस्पायर करे, जो कि हमें मोटिवेट करे, इसी समय में जो हमारे काम अब तक पेंडिंग चलते आ रहे हैं उन्हें खत्म कर सकते हैं। सुबह उठते ही अगर हम अपना फोन चेक ना करें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपने माइंडसेट के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए। सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या हम करना चाहते हैं। वैसे हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं माइंडसेट के बारे में, उसका लिंक मैं यहाँ पर आई बटन में डाल दूंगा, तो आप चाहें तो क्लिक कर देख सकते हैं। उसमें हमने बताया कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं और जो लोग कम सक्सेसफुल होते हैं उनके माइंडसेट में क्या फर्क होता है, उनकी सोच में क्या फर्क होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।